नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा की जा रही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले को लेकर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज मेहता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जो कुछ हो रहा है ये घोर निंदाजनक है। देश में लोकतंत्र समाप्त होने की कागार पर है। देश में तानाशाही हुकूमत कायम है। मोदी जी अनावश्यक रूप से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारी, आज उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इससे कांग्रेस ही नहीं अपितु आम जन में आक्रोश है और इस आक्रोश की परिणति विरोध के रूप में नजर आ रही है।